हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्टिलाई चैनल में। आज हम करेंगे कॉरल ड्रॉ के बारे में और सीखेंगे कि कॉरल ड्रॉ के अंदर कैसे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कॉरल ड्रॉ की पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉरल ड्रॉ को। जैसे डेस्कटॉप पे आपके सामने आइकन दिख रहा है कॉरल ड्रॉ 11 का, तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो जैसे आपके सामने कॉरल ड्रॉ ओपन हो रहा है, तो ये आपके सामने ओपन होकर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको मिलती है कॉरल ड्रॉ के ऊपर, वो मिलती है आपकी जो वेलकम स्क्रीन, वेलकम टू कॉरल ड्रॉ। ये वेलकम स्क्रीन है, फर्स्ट टाइम जब आप कॉरल को ओपन करोगे तब आपको इसी टाइप की स्क्रीन आएगी। ये पूछ रहा है आपने को न्यू ग्राफिक, अपने को नई फाइल बनाने की, ओपन लास्ट एडिटेड, मतलब जो फाइल लास्ट आपने एडिट करी है, मतलब जो भी काम करा है लास्ट उसको खोलने के लिए। ओपन ग्राफिक किसी फाइल को खोलने के लिए काम आता है। टेम्पलेट्स, कुछ बड़ी बनाई फाइल्स या डिजाइन इसके अंदर होती है कॉरल के अंदर, जिनको आप देख सकते हैं। कॉरल ट्यूटोरियल, अगर कॉरल के अंदर कोई आपको हेल्प वगैरह चाहिए तो कॉरल ट्यूटोरियल के अंदर जा सकते हो। और व्हाट्स न्यू के अंदर, जैसे कॉरल 11 जो ये वर्जन है, इसमें क्या क्या चीजें आपको नई मिलती है, वो सारी सारी चीजें ही अपने को शो करता है। तो जैसे कि मेरे को नई वाली फाइल चाहिए, तो अपन कह सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे न्यू ग्राफिक के ऊपर जाकर क्लिक करूंगा, तो आपके सामने कॉरल की जो न्यू एक फ्रेश फाइल आपके सामने बनाकर दे देगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे इसने सबसे पहले आपके एक न्यू फाइल आपको ब्लैंक फाइल बनाकर दे दी, आपकी जो ब्लैंक फाइल बनेगी ये आपके कहलाएगी, अपन कह सकते हैं ग्राफिक वन। और जो कॉरल के अंदर जो फाइल बनती है उस फाइल का टाइप होता है फ्रेंड्स CDR या कॉरल ड्रॉ की फाइल भी बोलते हैं, और फाइल का जो एक्सटेंशन अपन कहते हैं .cdr। तो कॉरल के अंदर जो बनने वाली फाइल होती है वो CDR फाइल कहलाती है, अपन कह सकते हैं। अब चलिए इसकी स्क्रीन को पहले समझते हैं कि कॉरल ड्रॉ को एक बार ओपन होने के बाद कौन कौन सी स्क्रीन या फिर कौन कौन सा स्क्रीन का पार्ट आपके लिए आप उसको क्या कह सकते हैं। जो सबसे पहले वाली पट्टी आपको मिलती है, जो सबसे पहले वाली बार मिलती है, जहाँ पे कॉरल ड्रॉ 11 लिखा हुआ, ग्राफिक वन लिखा हुआ है, ये जो बार फ्रेंड्स अपने को कहलाएगी, ये कहलाएगी टाइटल बार। आपके टाइटल बार मेन जो अपन कह सकते हैं, मेन जो आपका टाइटल होगा, मेन जो आपकी हेडिंग होगी, जो प्रोग्राम का नाम है, फाइल का नाम है, वो आपको टाइटल बार के ऊपर ही मिलेगा। नेक्स्ट जो अपने पास जो पट्टी मिलेगी, जस्ट उसके नीचे टाइटल बार के नीचे जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइल एडिट व्यू लेआउट अरेंज। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी हमारी पट्टी है, इस पट्टी को कहते हैं अपन फ्रेंड्स कह सकते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू ओपन कर सकते हैं जितने भी आपके पास फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट, तो जो भी आपका कुछ काम होगा वो मेन्यूज की हेल्प से ही होगा, तो ये चीज कहलाती है मेन्यू ओपन कर सकते हैं। मेन्यू के जस्ट नीचे पट्टी मिलेगी अपन कह सकते हैं, इसको अपन कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। आपके स्टैंडर्ड टूल बार मीन्स अपन कह सकते हैं न्यू, ओपन, सेव एज़ कार्ड, कॉपी पेस्ट, ये सारे के सारे टूल्स आपको कह सकते हैं अपन जो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में मिलते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास कह सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के बाद जो नीचे वाली पट्टी मिलेगी वो मिलती है फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार अपन कह सकते हैं फाइनली अपन आपके जो पेज आपके सामने खुला हुआ है, जो फाइल जो खुली हुई है उसकी प्रॉपर्टी आपको बता रहा है। ये जो प्रॉपर्टी बार कहलाते हैं अपने को हर एक टूल्स के साथ हर एक टूल्स के अनुसार ये चेंज होती रहती है। जैसे आपको साइड में ये जो टूल बार मिलती है अपन कहते हैं, जहाँ पे आपको सारे सारे कॉरल के जो टूल्स मिल रहे हैं, एक टूल्स के अनुसार जो भी टूल्स को आप सेलेक्ट करते हैं उस टूल्स के अनुसार अपन कह सकते हैं आपकी जो ये प्रॉपर्टी बार चेंज होती रहेगी, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी बार है वो फिक्स नहीं रहती। अब आगे चलते हैं, अपन कह सकते हैं मेन जो आपका काम होगा वो जो ये आप एरिया देख पा रहे हो फ्रेंड, आपके इसी के अंदर जो ये आपको फ्रेम बनी हुई है A4 साइज की, इसी फ्रेम के अंदर आपको काम करना, और आप जो इसके अंदर जो काम करोगे वही आपके प्रिंट होगा, बाकी इसके अलावा कोई चीज प्रिंट नहीं होने वाली फ्रेंड। अब जो कह सकते हैं, जो अगर आप मान लो खाली एरिया के अंदर यहाँ पे अपन कुछ कह सकते हैं कुछ काम करते हो, वो आपका काम तो हो जाएगा लेकिन वो प्रिंटेबल पेज, वो आपका चीज वो प्रिंट नहीं होगी। साइड में अपन कह सकते हैं उसको अपन कह सकते हैं कलर प्लेट मिलेगी, जहाँ पे अपने को सारे सारे कलर्स मिल जाएंगे। अगर अपने को और कलर चाहिए, नीचे यहाँ पे कर सकते हो, क्लिक करो, जो साइड में मूव होती है, साइड में मूव होके आपके सारे सारे कलर जितने भी आपको पहले से अवेलेबल होते हैं वो बता देता है। और अगर फ्रेंड्स आपको मान लो इनके अलावा कोई कलर चाहिए तो वो आपको कलर प्लेट्स के अंदर जाके कुछ बनाना पड़ता है, कलर्स को सारे सारे कलर अपने को नहीं मिलते। नीचे अपन कहते हैं आपके पास यहाँ पे स्टेटस बार मिलेगी, जो आपके करंट कर्सर की पोजीशन बताएगी और कौन सा कलर आपने फिल किया हुआ या फिर आउटलाइन के अंदर कौन सा कलर लिया हुआ, तो इनके जो कलर के बारे में जानकारी बता देगा। और एक और चीज फ्रेंड अपन कह सकते हैं, जहाँ पे ऊपर ये आपको स्केल मिल रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये स्केल अपने पास कहलाएगी रूलर बार, जो अपने को कह सकते हैं किसी भी पेज को है, कह सकते हैं किसी शेप को है, या किसी भी कार्ड को अपने को जो मेंटेन करके रखना पड़ता है, या फिर अपन कह सकते हैं जो उसकी साइज को नापने के लिए चीज, इसके लिए रूलर बार अपने को दी हुई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले काम, अपन कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी बार के अंदर देखते हैं। जो प्रॉपर्टी बार के अंदर ये सबसे पहले चीज पूछता है कि आपको कौन सा पेज की साइज के ऊपर काम करना है, या फिर आपको कौन सा पेज चाहिए। आपको जो भी पेज अपने को चाहिए आप यहाँ से चूज कर लो फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारी साइज भी होती है, आप यहाँ पर साइज को चूज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे A4 साइज ही मिलती है। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं, अपन जो चीज देखते हैं मेन जो आती है वो आती है यूनिट, मतलब यूनिट जो पेज की साइज दी हुई, या फिर रूलर जो आपको यहाँ पे स्केल जो मिल रही है उस स्केल को किस में आपको चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, इंच में चाहिए, फीट में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, आपको जिसमें चाहिए अपन ले सकते हैं। आपके बाय डिफॉल्ट मिलीमीटर में ही आता है, मैं इसको सेंटीमीटर में डाल देता हूँ, तो सेंटीमीटर अपन ने कर लिया। सेंटीमीटर अपन ने जैसे यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो भी आपकी पेज की हाइट और वेट थी वो आपके सेंटीमीटर में शो कर रहा, पहले आपको यहाँ पे एमएम के अंदर मिलीमीटर के अंदर शो कर रहा था। अब मान लो आपके जो भी आपके साइज आपको ले लिए, कोई आपको मान लो कोई एक्सटर्नल कार्ड बनाना है, या फिर कोई डिजाइन पैटर्न अपन कह सकते हैं, कोई बैनर है, फ्लैक्स है, कोई विजिटिंग कार्ड है, कोई शादी का कार्ड है, या किसी तरह की भी डिजाइन आप चाहते हो, तो सारी सारी डिजाइन आप कॉरल के अंदर बना सकते हो फ्रेंड। और डिजाइन तो बना सकते हैं, लेकिन उस डिजाइन की आपको क्या साइज चाहिए वो साइज अपने को इंच में चाहिए, फिटने में चाहिए, जो भी अपने को साइज चाहिए आप यहाँ पे साइज सेट कर लो। साइज के बाद अपने पास आपका पास जो पेज है उसको पोर्ट्रेट चाहिए या फिर लैंडस्केप चाहिए, आपको जैसा भी पेज पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए आप या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पेज को ले सकते हो।
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बाद अपन कह सकते हैं उसके यूनिट्स को अपन देख सकते हैं, जो यूनिट्स को अपन ने पहले ही देख लिया। तो ये कुछ चीज होती है पेज के अपने को साइज वगैरह लेनी। जैसे मान लो अपन कह सकते हैं मैंने इसको पेज को पोर्ट्रेट कर लिया या फिर लैंडस्केप कर लिया, तो लैंडस्केप के अंदर मेरे को एक विजिटिंग कार्ड बनाना, तो फ्रेंड्स मेरे को विजिटिंग कार्ड की साइज लेनी पड़ेगी। तो पहले अपन कह सकते हैं आपकी विजिटिंग कार्ड की जो साइज होती है अपन कह सकते हैं 3.5 इंच अपन कह सकते विड्थ में होती है, और हाइट में होती है अपन कह सकते 2 इंच। तो मैं आपके यहाँ पे अपन कह सकते हैं साइज को यहाँ पहले आप इंच पे डाल देता हूँ। इंच के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल प्लस ए से इसको हटाया और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.5 तो लिखी विड्थ मैंने। और अगर कह सकते हैं मेरे को हाइट चाहिए तो मेरे को हाइट यहाँ पे चाहिए 2.5 अपन कह सकते हैं इसकी हाइट होती है। तो ये नॉर्मली अपन कह सकते हैं विजिटिंग कार्ड की जो आपकी साइज है, राइट, ये आपकी विजिटिंग कार्ड की साइज आपको मिलती है। तो आपको जो भी विजिटिंग कार्ड बनेगा ये इस पूरे के अंदर आपको ड्रॉ होगा फ्रेंड्स। तो ये तो चीज थी अपन कह सकते हैं कुछ अपने को कैसे बेसिक स्क्रीन होती है। अगर अपने को नॉर्मली अपने को नई फाइल चाहिए या फाइल को ओपन करना है तो सबसे पहले जो अपने पास कह सकते हैं फाइल टैब, उस फाइल टैब के ऊपर क्लिक करूंगे, सबसे पहले न्यू ऑप्शन आता है। न्यू के अपने पास शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एन, आप जैसे कंट्रोल प्लस एन करोगे तो आपके सामने न्यू फाइल ओपन होकर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था अपन कह सकते हैं कॉरल के अंदर कैसे आप एक न्यू फाइल को बनाते हो, या फिर अपन कह सकते हैं न्यू फाइल बनानी है या फिर कॉरल का जो इंट्रोडक्शन कहते हैं, ये सब फर्स्ट टाइम ओपन करने पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी या क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो मेन ये कहते हैं अपने को ये चीज अपने को ध्यान में रखनी होती है, जो अपने बेसिक स्क्रीन का जो स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चीज मिलेगी और कौन से हिस्से को अपन क्या बोलेंगे। सबसे पहला जो अपन कह सकते हैं मेन जो अपन कह सकते हैं आपका 70-80% जो काम होता है वो आपके टूल्स कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पे साइड में अपने को टूल्स मिल रहे हैं, आप जो स्क्रीन की साइड में देख पा रहे हो। सबसे पहला और जो कॉमन टूल होता है वो पिक टूल होता है, जो पिक टूल हमेशा कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ ही आता है। किसी भी चीज को आइटम को अगर सेलेक्ट करना है तो फ्रेंड्स आपके लिए पिक टूल ही काम आएगा। जैसे कोई फाइल फोटो अपन कह सकते हैं, कोई फाइल है, फोटो है, शेप है वगैरह, कोई भी चीज आपके आइटम वगैरह, कोई डायग्राम वगैरह आपके ड्रॉ किए हुए हैं या फिर कुछ भी चीज आप बनाओगे तो वो आपके अपन कह सकते हैं पिक टूल की सहायता से ही आप उसको कह सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स पिक टूल की शॉर्टकट होती है अपन कह सकते हैं कॉरल ड्रॉ में स्पेस बार, आप जैसे स्पेस बार को पिक आपके यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रेस करोगे तो आपका पिक टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो चीज था अपन कह सकते हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर कुछ आपका इंट्रोडक्शन, जो आपको बेसिक चीज है कॉरल ड्रॉ के अंदर ध्यान होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो अपन कह सकते हैं इसके नेक्स्ट अपन करेंगे वो अपन कह सकते हैं इनके अपन जो टूल्स है इन टूल्स के बारे में करेंगे, लेकिन टूल्स अपन कह सकते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के अंदर सिर्फ अपना अपन कह सकते हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर अपना इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।